नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी अंबेडकर पार्क लखनऊ में। अगर नाम से तो ये पार्क है, बट यहाँ पार्क जैसा या घास जैसा कुछ नहीं है, सारा पत्थर पत्थर आपको दिखेगा कभी अगर आप आए हो या आओगे। और पत्थर में भी मोस्टली दीवारों पे तो है जो अपना लाल बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन, वो यूज़ किया है। और पूरा नीचे जो फर्श है इसका, या जितना भी मोन्यूमेंट की तरफ आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे, तो सारे में या तो ग्रेनाइट दिखेगा या रेड सैंडस्टोन। बाकी हाथी की मूर्तियां हैं, बहुत कुछ है देखने को। अगर एक तरह से देखा जाए तो मॉडर्न समय का किला है, और पैसा भी बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा शायद। अगर आंका जाए तो 1000 करोड़ से के आसपास हो या ऊपर भी हो सकता है। बट पॉइंट बनता है कि मैं और भी इलाकों में गया हूँ, चित्रकूट या उसके आसपास के, जहाँ पे लोग अभी भी ऐसे हैं कि शायद उन्हें सुबह के बाद शाम की रोटी ना मिले। कच्चे घरों में रहते हैं, खपरेल की छत हैं, रोजगार के नाम पर शायद मजदूरी ही बचती होगी। ऐसे स्टेट में 1000 करोड़ रुपए इस तरह की इमारतों पर खर्च करना एक पॉइंट से तो जायज़ है कि लोगों को देखने के लिए, पर्यटन के लिए चीज़ें मिलती हैं, दिखता है। मतलब मैं बुराई नहीं करूँगा कि नहीं करना चाहिए था, पर दूसरा पॉइंट ये भी है कि शायद उस पैसे का बेहतर प्रयोग होता तो ज़्यादा अच्छा था। एक दूसरा पॉइंट जो पर्सपेक्टिव है उसे देखने का, वो ये कि यही काम अगर थोड़े जो सबल स्टेट हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, वो सब स्टेट अगर ये काम करते तो एक बार को माना जा सकता था कि भैया ठीक है, पैसा इनके पास है और इन चीज़ों की ज़रूरत भी है, क्योंकि टूरिज्म ट्रैवल के लिए वहाँ विशेष कुछ नहीं है। परंतु उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पैसा लगा, मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, पर ये अंदर से आ रहा है कि ये पैसा अगर गरीबों के लिए कुछ विशेष प्रकार के स्कूल या यूनिवर्सिटी खोलने में लगाया जाता तो मैं कुछ ज़्यादा खुश होता। पर ऐसी जगहें बनाना भी अच्छा है या नहीं, ये शायद आप तय कर सकते हैं मुझसे अच्छा। मैं अपना व्यू या पर्सपेक्टिव इसमें देना नहीं चाहूँगा, पर पीछे का जो नज़ारा आप देख सकते हैं, ये इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो तो मैं बाद में दूंगा, कितने एकड़ में बना है, कैसे है, बट जितने में भी बना है ज़बरदस्त पैसा लगा है। और निश्चित रूप से टैक्स पेयर का पैसा है, गरीबों का पैसा है। आप लोग 5 रुपये का अगर साबुन लेते हैं, 10 रुपये का कुछ खाने का लेते हैं दुकान से, तो हर चीज़ में टैक्स देना पड़ता है, GST देना पड़ता है। इससे पहले भी था, वो अलग नाम से था, आज भी है, और वही पैसा इकट्ठा होकर के ऐसी इमारतों में लगाया जाता है। तो तय आप करें कितना जायज है कितना नहीं, क्योंकि जब तक वोटर शिक्षित नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक देश किसी भी अवस्था में चले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन वोटर जागरूक हो गया, वोटर समझदार हो गया, उसे अपने पैसे की, दिए हुए टैक्स की कदर हो गई, उसके बाद ये नेता अपने आप सुधर जाएंगे। कुछ विशेष इंतजाम करने की आवश्यकता हमें नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी समय आ गया है लखनऊ को छोड़कर जाने का। अभी समय आ गया है लखनऊ से विदा लेने का, और आगे तैयारी है अयोध्या पहुंचने की। आज शाम को लखनऊ में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, उसका एक कारण था कि मैं रुका तो यहाँ बहुत दिन हूँ, मतलब 5 दिन मैं यहाँ पे रुका हूँ, पर उसमें से 2 से 3 दिन सिर्फ इसलिए रुका कि मुझे बैग बदलना था, उसमें कुछ डैमेज हो गया था तो एक दूसरा बैग लिया। और पहला वाला जो मेरा बैग है वो है ट्रैवल 500 करके, 70 लीटर का। अभी जो बैग है ये है 50+10, मतलब 60 लीटर का, और यह है ट्रैक 900 फोर क्लास का। तो हालांकि ये पहले वाले से महंगा है, पहला बैग जो था वो था 5000 रुपये का, और ये है लगभग 9000 रुपये का। लेने और बदलने का कारण था कि उसमें सामान तो पूरा आ रहा था, लेकिन टांग करके जब चलते हैं तो बहुत लंबा चल नहीं सकते थे। अभी जो बैग लिया है ये ट्रैकिंग बैग है, तो इसका तो ये है कि भैया अपना सामान वामान सब पैक करो, लगाओ और निकल जाओ, चाहे 2, 4, 6, 10 किलोमीटर चलना हो तो चल भी सकते हो आराम से।
वो मैंने देखा भी तो उस हिसाब से सही है। बाकी लखनऊ की बात करें तो यहाँ मैं कई जगह गया घूमा, जिनमें से मेन जगहें हैं बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट और एक अंबेडकर पार्क, जो बड़ी भव्य जगह है, मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल बोल सकते हैं उसको। 103 एकड़ में उन्होंने जो जगह बनाई है, वो शुरू तो किया था मायावती जी ने, लेकिन उसको बाद में अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने उसको और एक्सटेंड किया है, तो ठीक है, लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छी जगह बनाई है जहाँ पर वो जा सकें, घूम सकें। और उसके अलावा लखनऊ में खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत फेमस है लखनऊ खाने की चीज़ों के लिए। यहाँ बहुत से जो रेस्टोरेंट हैं जो नॉन वेज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मैं तो नॉन वेज खाता नहीं तो इसलिए मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ। एक यहाँ पर है प्रकाश कुल्फी, वो भी बहुत फेमस है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो जो लोग फेमस हैं, फेमस रेस्टोरेंट खाने की जगह या जो भी, और उन्हें पता है कि वो फेमस हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने रेट तीन गुने, कम से कम तीन गुने कर रखे हैं। उन्हें पता है कि लोग आते हैं उनके पास सिर्फ इसीलिए। तो जो प्रकाश कुल्फी था, वो कुल्फी फालूदा मिलता है, वही नॉर्मल जगह 25 रुपये का फालूदा है, वो कुल्फी उसके ऊपर चार वो लच्छे से डाल के दे दिए और वो लेते हैं 75 रुपया। ऐसे ही दो एक जो नॉन वेज की जगहें हैं वो भी लगभग ट्रिपल चार्ज करते हैं। तो नॉन वेज के लिए तो मेरा कहीं जाना हुआ नहीं, प्रकाश कुल्फी ज़रूर गया था, अच्छी चीज़ है, मतलब खा सकते हो, वहीं की खानी है, ये भी ज़रूरी नहीं है, लखनऊ में उससे बेहतर और भी चीज़ें हैं। एक जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि जहाँ मैं रुका हूँ, सब्जी मंडी में हॉस्टल है, यहाँ पे एग्जैक्ट हॉस्टल की बगल में एक भारत डेयरी है, जो बताते हैं कि 1957-58 से उनका डेयरी का काम है, और रोज़ शाम को वो कढ़ाई वाला दूध इधर बेचते हैं। तो सुना बहुत जगह होगा, मैंने लगभग 10वीं मेरी लोकेशन है लखनऊ, मैंने हर जगह कढ़ाई वाला दूध पिया है, पर इससे बेहतर कहीं नहीं पिया, क्योंकि वो उबल उबल के उसका रंग भी चाय जैसा हो गया था जो मैंने कल पिया इधर, और मतलब एक्चुअल दूध है। अगर किसी को पीना है और दूध का शौकीन है तो लखनऊ में यहाँ ज़रूर आना। इसके अलावा अगर बात करें, भीड़ भाड़ है और ऐसी जगहों पे आने के बाद थोड़ा वो मन उचटता सा रहता है, तसल्ली तो नहीं मिलती, कल्चर का भी वो स्वरूप नहीं देख सकते जो ओरिजिनल कल्चर किसी जगह का होता है, क्योंकि शहर में हमेशा मिक्स कल्चर होता है, आसपास से जगह जगह से लोग इकट्ठे होकर के रहते हैं अलग अलग कल्चर के, तो खाना भी मिला जुला मिलेगा, कपड़े तो चलो शहरों का तो अब कहना ही छोड़िए, क्योंकि हर जगह वही वेस्ट से प्रभावित हैं तो कपड़े सब पे वही मिलते हैं, कोई विशेष बदलाव नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ और जाना चाहता हूँ गाँव में, कि असली कल्चर गाँव में ही मिलेगा या छोटे शहरों में मिलेगा, जहाँ आज भी लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और बड़े शहरों में तो वही है, वेस्ट से प्रभावित हैं, पश्चिमीकरण हो रहा है, अपने आप को मॉडर्न कह कर के या समझ कर के लोग अंग्रेजियत अपना रहे हैं, अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी खान पान, बाकी ठीक है वो अलग विषय है, उस पर भी कभी बात करेंगे। और मैंने इससे पहले अपने स्टे कहीं भी नहीं दिखाई कि मैं कहाँ रुकता था, मैं लगभग हर जगह हॉस्टल्स में रुका हूँ। हॉस्टल क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि एक कमरे में 6, 7, 8 या 5, 4 ऐसे बेड लगे होंगे ऊपर नीचे, और इसमें से आपको एक बेड मिल जाएगा और पे कोई भी आ सकता है। तो बेड की दो बेनिफिट होते हैं इसमें रुकने के, एक तो कीमत कम देनी पड़ती है, जहाँ मैं अभी रुका हूँ यहाँ 250 रुपये पर नाइट का मैंने बेड लिया है, कहीं मैंने कुछ जगह पे 500-500 भी दिए हैं। और दूसरा बेनिफिट ये कि जब रुकते हैं तो उसी कमरे में दूसरे व्यक्ति कहीं ना कोई आता है, तो कई बार होता है कोई ट्रैवलर आ गया, उससे बातें हुई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, रुकते हैं, तो बातें भी होती हैं। और हाँ, निश्चित रूप से कुछ एक दोस्त भी मेरे इन हॉस्टल्स में बने हैं, दिखा देता हूँ आपको होता कैसे है ये हॉस्टल। ऊपर एक ऐसे बेड लगाए हुए हैं, इनमें से एक बेड आपको मिलेगा, सामने वॉशरूम है, और लगभग हर बेड के नीचे चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट, वो सब होते हैं, शीशा है, और सामान बचा रहे, चोरी ना हो, उसके लिए लॉकर्स भी देते हैं, जिस किसी को चाहिए होता है कि भाई कुछ एक्सपेंसिव है तो अपना लॉकर में रख दो।
और दूसरा जो बैग के बारे में मैंने आपको बताया था, ये है वो बैग, फोर क्लास का, डेकाथलॉन से मिलता है, और नाम इसका है ट्रैक 900। हाँ, 50+10 लीटर। इसमें एक फ़ायदा और मुझे हो गया कि मैंने अपना टेंट और जो गद्दा है वो पहले मैं इधर उधर साइड में लटका के चलता था, इसी में नीचे बांध दिया है। एक कमी है कि लॉक इसमें नहीं लगता, बट उसके लिए क्या है कि रेन कवर आता है साथ में, तो वो रेन कवर यूज़ करके प्रोटेक्ट हो सकता है, ओवरऑल ठीक है। तो निकलते हैं लखनऊ से, और चलिए अब मिलेंगे अयोध्या में। तब तक खुश रहिए, और भारत दर्शन में मेरे साथ बने रहना है आपको, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, धार्मिक भी, सांस्कृतिक भी, ऐतिहासिक भी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर लगता है कि आपको कोई और व्यक्ति भी ऐसा है जिसे देखना चाहिए, तो कृपया करके उनके पास भी वो वीडियो शेयर ज़रूर करें। चलिए नमस्ते, राम राम, मिलते हैं अयोध्या में।